महाराष्ट्र में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं जिक्र होने लगता है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का। अब फिर से एक बार राज ठाकरे चर्चा में हैं और चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महायुति से जुड़ेगी, क्या वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी के साथ में गठबंधन करेगी। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि राज ठाकरे की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में अब ज़्यादा फर्क नहीं है। राज ठाकरे मराठी मुद्दे की बात करते हैं, राज्य की अस्मिता की बात करते हैं और बीजेपी भी उनके इस मुद्दे का समर्थन करती है, लेकिन अब राज ठाकरे ने एक व्यापक मुद्दा अपनाया है, हिंदुत्ववादी विचारधारा अपना ली है और बीजेपी की भी वही विचारधारा है, तो दोनों के साथ जुड़ने में जो है अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनावी गठबंधन होगा या नहीं होगा ये चर्चा का विषय है। लेकिन हम यहां पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के जो आम उत्तर भारतीय कार्यकर्ता हैं, जो यूपी बिहार के कार्यकर्ता हैं, जो हिंदी भाषी कार्यकर्ता हैं, क्या राज ठाकरे उनको स्वीकार्य हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही हिंदी भाषी विरोध के तौर पर की थी, उत्तर भारतीयों के विरोध के तौर पर की थी। पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था साल 2009 में, उसके पहले आपको याद होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय विरोधी दंगे हुए थे और राज ठाकरे की इमेज एक पर प्रांतीय विरोधी नेता की बन गई थी, लेकिन इस मराठीवाद की राजनीति का उनको कोई फायदा होता नजर नहीं आया। जिस तरह से चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं या महायुति से जुड़ सकते हैं, आप एक उत्तर भारतीय कार्यकर्ता होने के नाते क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए? जो हमारे विचारों का समर्थन करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, उवैसी भी अगर हमारे विचारों में आता है तो हम उसका स्वागत करते, फिर राज ठाकरे का उवैसी क्या, आप बताइए। मेरा मानना है कि अगर कोई सुबह का भूला हो, शाम को अगर घर वापस लौटना चाहता हो तो उसका स्वागत होना चाहिए, और हिंदुत्व के मुद्दे पर हो या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो या मोदी जी के विकास के मुद्दे पर हो, को अगर हमारे साथ एनडीए या फिर सरकार के किसी तरह विकास में योगदान देना चाहता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है उस चीज़ का ही हम लोग आगे लेके चल रहे सारे कार्यकर्ता कि अगर बीजेपी और मोदी सरकार के विकास के मुद्दे पर कोई साथ आना चाह रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ आना चाह रहा है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये देश का विकास सोचने वाली पार्टी है, जैसे बोलते हैं कि भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी, तो इस विचारों के साथ अगर कोई भी पार्टी का नेता अगर आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी खुशी से उनका स्वागत करना चाहती है। जैसे अपन देखते हैं शरद पवार के साथ अजीत पवार रहते भी उनको रियलाइज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम अब कर रही है कि वो भी अपनी पार्टी छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनका भी हमने वेलकम किया है। तो आपने सुना बीजेपी के मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं के विचार। अब राज ठाकरे के साथ बीजेपी का या महायुति का गठबंधन होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि कुछ दिनों पहले राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच में कुछ बैठकें हुई थी, कुछ मेल मिलाप भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला वो अब तक बाहर नहीं आया है। हो सकता है कि चर्चाओं का कुछ और दौर भी आगे जारी रहेगा और फिर कोई पुख्ता खबर आएगी। कैमरामैन संजय मंडल के साथ जितेंद्र दीक्षित, मुंबई से NDTV इंडिया के लिए।